अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा बिजली का शोर मचाया जा रहा है, बड़ा मचाया जा रहा है, वाकई में सही मचाया जा रहा है। ये पिछले महीने का बिल है, ये मेरा 17 यूनिट का 3300 रुपये ये बिल मैंने भरा हुआ है। उसके बाद ये अब बिल आया है, 7 यूनिट है, मेरी फैमिली 6 महीने से घर में नहीं है और घर बंद था। उसके बावजूद मैं रात को कभी आके सोता हूँ तो पंखा चलाता हूँ। 7 यूनिट का 47,073 रुपये बिल भेजा है इन्होंने, और ये अब ये देख सकते हैं करीब हो गए 47,073 रुपये। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाएं या मतलब घर के मामला चलाएं, ये नाजायज़ बिल भरे हम। तो मैं अब और तो कुछ नहीं कह सकता, एक ही बंदे को अपील कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी इदारे तो सारे उसी के मातहत हैं। मैं इस टाइम मुखातिब हूँ और अपील कर रहा हूँ आसिफ मुनीर साहब, जनरल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, और DGISI नदीम अंजुम साहब, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि खुदकुशी तो हराम है ना, और किसी के आगे हाथ जोड़ना भी गुनाह है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि जब इतना कुछ आपने कर लिया है तो इससे तो मरने वाले हैं नहीं गरीब। अब एक काम करें कि आपके पास जंगी जहाज भी है, तोहफे भी हैं और एटमी बम भी है, आप ऐसा करें जंगी जहाज़ों से हमारे घरों पर बमबारी करें, या फिर तोहफे मारें, या फिर मिज़ाइल मार दें हमारे ऊपर, ताकि हम गरीब मर जाएं। जो अमीर हैं वो रहने दीजिएगा, क्योंकि वो आपको टैक्स देते रहते हैं ना, हम तो टैक्स देते ही नहीं है ना, हम तो टैक्स देते ही नहीं है, वही टैक्स देते हैं और वही खाते पीते रहते हैं, उन्हीं के पैसे डबल होते रहते हैं, हमारे तो खून निचोड़ा जा रहा है। तो मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि खुदकुशी हराम है, आप हमारे ऊपर बम मार दो। आर्मी चीफ साहब, आप सैयदजाद हैं, आप सैयदजाद से हमें अगर बमबारी होगी ना हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमें चलो ये तो पता होगा कि हम शहीद कहला रहे हैं, फौज के हाथों मारा जाता है ना, शहीद कहलाता है। तो अब आप ये काम करें, और तो कोई काम नहीं है, मेरी अपील है आपसे, मैं को जबरदस्ती कर अपील हमारी मान लें। आर्मी चीफ सैयद मुनीर साहब, आप मेरी अपील माने, ये इतने बिल भेजने से रोज की अजियत है, एक ही दफा आप बम मारे हमारे ऊपर। अल्लाह हाफिज़।